वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ करने वाले हैं सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट करेंगे, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो ये चैप्टर की सेकंड वीडियो है, पहली वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, NCERT नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं अभिलेखागार। देखो, अभिलेखागार जो है एक ऐसा स्थान होता है जहाँ हम महत्वपूर्ण कागजात, दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित करते हैं या सुरक्षित वहाँ रखा जाता है। आज सभी जो राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। अब बात कर रहे हैं कि उन दिनों यानी कि किन दिनों, मध्यकालीन इतिहास की हम बात कर रहे हैं। छापे खाने तो थे नहीं, तो इसमें क्या करते थे, जो लिपिक हुआ करते थे या कलरक या नकल नवीस, वो क्या करते थे, जो उनको पांडुलिपियाँ मिली होती थी उनकी जो है हाथ से ही प्रतिकृति बनाते थे। तो अभी ये जो चैप्टर में क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, अगर वो नकल करेंगे किसी पांडुलिपियों की तो क्या करेंगे, उनमें फेरबदल होगा सूचनाओं में, ठीक है। तो इतिहासकार को जब इतिहास लिखते समय इन चीज़ों का एक तरह से ध्यान रखना होता है। तो इन्होंने क्या समझाया है, अगर आप किसी मित्र की नोटबुक लेते हो होमवर्क करने के लिए तो ये काम आसान नहीं होता। हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें ना लिखावट समझ नहीं आती अपने मित्र की, हम क्या करते हैं, जो उसने लिखा होगा वो हम ऐसे ही लिख देते बिना समझे ही। तो उनमें जो हमारा मित्र हुआ था, मित्र होता है, जो उसने लिखा था और हमारे लिखे हुए में छोटे मोटे जो है अंतर आ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता था जब पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बना करती थी, ठीक है। तो इसमें जो लिपिक होते थे छोटे मोटे फेर बदल करते थे, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य, तो सदियों तक ये चीज़ें चलती रही। प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियाँ जो है बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न जो हैं, देखो एक ग्रंथ की जो भी नकल नवीस थे, जिस भी दरबार में रहते थे, कोई भी शासक आया है, वंश आया है, वो सभी इनकी प्रतिलिपि बनवाते थे। तो ऐसा भी हुआ है कि एक मूल ग्रंथ के भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ हमें एक दूसरे से, बहुत सारी प्रतिलिपियाँ मिली हैं और एक दूसरे से जो है बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या क्या उत्पन्न होती है कि आज हम लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है, जो हमें एक तरह से ओरिजिनल पांडुलिपि है किसी लेखक की, वो हमें शायद ही मिलती हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। इससे बड़ी फिर क्या होता है, हमें बाद के जो लिपिक द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह जो है डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है, यानी कि जो उस एक तरह से बहुत कठिन कार्य हैं, तो बहुत सावधानी से सभी प्रतिलिपियों को जो है उसका स्टडी इनको करना पड़ता है इतिहासकार को, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, अभी इन्होंने क्या किया है देखो, चलो ये आप पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। एक उदाहरण दिया इन्होंने, एक जियाउद्दीन बरनी थे, ठीक है, तो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। जियाउद्दीन बरनी 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। आता है ये क्वेश्चन, इन्होंने जब अपना पहला वृत्तांत लिखा था ना, तो वो 1356 में लिखा था, ठीक है। ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि समय के अनुसार जब ये लिखते हैं वृत्तांत, तो उनमें भी कुछ अलग ये थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। उसके जो दूसरी बात, दो वर्ष बाद इन्होंने एक और वृत्तांत लिखा, दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक के इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, यानी जो 1356 वाला वृत्तांत है वो नहीं मिला था उनको, ये जो है पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था, बाद में जब ये मिला तो उन्होंने सोचा, यानी कि जब इतिहासकार हुआ करते थे वे भी अपने वृत्तांतों में जो है फेरबदल कर दिया करते थे। तो हमें क्या है, हमें जो एक ओरिजिनल ज्ञान, ओरिजिनल नॉलेज हमें नहीं मिल पाती इससे, ठीक है। तो हमें बहुत ध्यान से ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। आगे देख लेते हैं, तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए जियाउद्दीन बरनी कौन सी शताब्दी का एक इतिहासकार है, तो 14वीं शताब्दी का। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह की अब यहाँ बात करेंगे। देखो,
जैसे कि आप सभी को पता है ना, यहाँ पे हम बात करें 700 से 1750 तक के समय की, ठीक है, यानी लगभग 1000 वर्षों का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं। तो इन 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे जो है भारी चुनौती रखता है। क्यों रखता है? मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए थे। देखो, अगर हम बात करें वंश है, हम वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, शासकों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, कैसे वे शासन चलाते थे, लेकिन उस एरिया में आम आदमी भी रहते थे, उनके जीवन में बदलाव हुआ है ना। तो इस समय बड़ा चुनौती का था, क्योंकि बदलाव जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग काल में ये हुए हैं। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे कि सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, ठीक है, जैसे कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नए प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर आए, यानी कि जो बाहर से लोग आए हैं यहाँ आकर बस गए अपना जो है, तो वे अपने साथ ये चीज़ें लेके आए थे, ठीक है। ये हमने 6th क्लास में मिश्रित संस्कृति के बारे में पढ़ा ना, वही चीज़ है, यहाँ की उन्होंने अडोप्ट की, अपनी वहाँ से लेके आए। तो एक तरह से मिश्रण जो हो जाता है संस्कृति का। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा, यानी आर्थिक स्तर पे भी परिवर्तन रहे, राजनीतिक स्तर पे भी रहे और सामाजिक जो स्तर पे भी जो एक बदलाव रहे हैं। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं आगे। देखो, रहट देख लीजिए आप, ये होती है रहट, ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था, यानी कि लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी, यह आप सभी को पता है। तभी तो अंग्रेज यहाँ आए थे, उनको कच्चा माल भी आसानी से मिल जाता था, मंडियाँ उपलब्ध हुई उनको। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। देखो, राजपूत यही तो है जो शासक हुआ करते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे, जिसका नाम राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, तत्पुरुष समास है ना इसमें, से निकला। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे, यानी एक तरह से ये योद्धा होते थे और क्षत्रिय वर्ण होने का अपना दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। अगर आपका क्वेश्चन आता है राजपूत शब्द से अर्थ क्या था, अगर बात करें इस काल में, मध्यकालीन काल में, तो सिर्फ राजा ही नहीं आते थे बल्कि सामंत भी आते थे, सेनापति और सैनिक भी आते थे इसमें, क्योंकि योद्धा होते थे ना, युद्ध करने वाले। आगे देख लेते हैं। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे, जो चारण हुआ करते थे, ठीक है, कवि हुआ करते थे, क्या करते थे, अपने जो शासक हुआ करते थे, उस समय के राजा होते थे, उनके जो है गुणगान करते थे, ठीक है, कविताएं लिखते थे उनके लिए। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहम और कायस्थ मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाले जाति आदि समूहों ने भी उठाया, ठीक है। तो जो अवसर मिले थे उनका लाभ किन्होंने उठाया, मराठा, सिख, जाट, अहम, असम साइड जो है, कायस्थ और मुंशी लिपिक जो है, ये इन समूह ने भी उठाया। अब बात करते हैं प्रियावास। प्रियावास क्या होता है? देखो, एक पर्यावरण के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये शब्द। पर्यावरण किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले वालों की सामाजिक आर्थिक जीवन शैली से हम प्रियावास का मतलब जो लेते हैं। ये शब्द आपका कई बार रिपीट होगा, आप समझ जाना। आगे देख लेते हैं।
इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, क्योंकि जो खेती योग्य जगह जो इलाके बढ़ा रहे थे, ठीक है, कृषि के लिए इलाकों को बढ़ा रहे थे, तो जंगलों की कटाई हो रही थी। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन यानी कि पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब ये आधुनिक इतिहास में भी हम पढ़ेंगे, जब 9th क्लास की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे ना, वन का विनाश क्यों, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, तब भी यही चीज़ पढ़ेंगे, कैसे खेती योग्य जगह को बढ़ाया गया, वनों को काटा गया, और कैसे वन्य समाज जो हैं वहाँ रहने वाले वनवासी जो हैं उनको मजबूर होकर अपना स्थान अपनी संस्कृति को त्यागना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। जैसे ही कृषक समाज आया ना सामने, तो क्या है, वे कर चुकाने लगे और स्थानीय जो मालिक हुआ करते थे, जो उनसे खेती करवाते थे, की बगार जो है उसकी मजदूरी करनी पड़ती थी। तो आगे देख लेते हैं, परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी जो है पालते थे, ठीक है, पशुपालक भी थे एक तरह से, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि कुछ काम भी कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, जैसे जैसे अलग अलग काम होने लगे, तो समाज में अंतर भी बढ़ने लगा। लोग जातियों उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं होते थे, किसी जाति विशेष के दस्तों को हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इस आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। यानी जिसके पास पावर होती थी, ज़्यादा संसाधन होते थे, वो एक तरह से जो है एक शक्तिशाली जो है व्यक्ति कहा जाता था। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित हैं, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में, आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण रहे, ठीक है। तो आप सभी को पता, जो प्रौद्योगिकीय जो परिवर्तन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे जो समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति ही बदल जाती है। आगे देख लेते हैं, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, ठीक है। फिर जातियाँ जो थी वो नियम बनाने लगी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसमें कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जाति पंचायत। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाँवों पर मुखियाओं का शासन होता था, मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भरे होती थी। अब बात करेंगे यहाँ क्षेत्र और समाज की, तो ये थर्ड पार्ट लेके आना पड़ेगा, इसका लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर तुगलक है, चोल है, अध्याय दो में पढ़ेंगे, तुगलक तीन में, मुगल चार में, बड़े बड़े जो राज्य हुए थे इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो थर्ड पार्ट लेके आएंगे इस वीडियो का। धन्यवाद स्टूडेंट्स।